नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKT स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में यूपी स्पेशल जीके के अंतर्गत टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूपी स्पेशल जीके आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपी के किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, इससे बताइए उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है। बताइए उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद में, बरेली में, लखनऊ में, मेरठ में? तो देखिए, पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर, इसका सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक पार्क स्थापित है वो लखनऊ में स्थित है, यानी स्थापित है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो, इसे बताइए उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। बताइए पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में कि नोएडा में कि आगरा में कि कानपुर में? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी लखनऊ में। यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो स्थापित किया गया वह लखनऊ में किया गया, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीन, इसे बताइए कर्मा लोक नृत्य है। बताइए कर्मा किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महोबा का कि पूर्वांचल का कि ब्रज का कि सोनभद्र का? तो देखिए, कर्मा जो लोक नृत्य है या सोनभद्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछता है कि चरकुला किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखिए, चरकुला जो लोक नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र का, इसे आप याद रखिएगा। ये दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्यों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लोक नृत्य यानी उत्तर प्रदेश के जितने लोक नृत्य हैं उन पर बना दिया है। आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर चार है, इसे बताइए उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू की, खैरवार की, बुक्सा की, बैगा? तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए, थारू जनजाति जो है यह दीपावली को शोक के रूप में मनाते, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि बुक्सा जनजाति का क्षेत्र कौन सा? देखिए, बुक्सा जनजाति जो है अधिकतर जो बिजनौर में पाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच है, इसे बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो हैं कुल 404 सदस्य हो सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर छः, इसे बताइए उत्तर प्रदेश का प्रथम राजकीय पक्षी। बताइए उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, प्रश्न है, बताइए सारस या क्रौंच है कि मोर है कि तोता है कि कोयल है? तो देखिए, यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह सारस या क्रौंच है, इसे याद रखिएगा। देखिए, कहीं कहीं सारस दिया रहता है और कहीं क्रौंच दिया रहता है, देखिए मिस्टेक मत कीजिएगा आप सब, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, सारस या क्रौंच। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर सात है, इसे बताइए प्रदेश का प्रथम खगोलीय पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए प्रदेश का प्रथम खगोलीय पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कानपुर में, कि लखनऊ में, कि आगरा में, कि मेरठ में? तो देखिए, यह लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आठ है, इसे बताइए अलीगढ़ विश्वविद्यालय का एक और कैंपस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बताइए उत्तराखंड में कि केरल में कि दिल्ली में कि झारखंड में? बताइए। तो देखिए, आठ का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, केरल में, यानी अलीगढ़ विश्वविद्यालय का एक और कैंपस जो है केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नौ है, इसे बताइए उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई। बताइए उत्तर प्रदेश में पहला खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में, लखनऊ में? तो देखिए, आगरा में की गई, इसे याद रखिएगा। दोनों का ऑप्शन नंबर ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, इसे बताइए उत्तर प्रदेश को पूर्व, यानी बताइए उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था?
यूनाइटेड प्रोविंस से कि उत्तरी प्रांत से कि अवध प्रांत से कि आर्य प्रदेश से। तो देखिए यहाँ पर 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जितना प्रश्न हम सब कवर कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी यूपी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ये सभी प्रश्न जो हम सब इस वीडियो में यानी इसमें हम पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, इसे बताइए आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने, फिरोज तुगलक ने, खिजर खान ने, कि सिकंदर लोधी ने। तो देखिए आगरा शहर की जो स्थापना किया था वह सिकंदर लोधी किया था, इसे आप याद रखिएगा। 11 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12, इसे बताइए हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था, बताइए कन्नौज प्रयाग में कि प्रयाग थानेश्वर में, कि थानेश्वर बल्लभ में, कि बल्लभ प्रयाग में। तो देखिए 12 का जो होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर इसका देखिए ये सही होगा। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का जो आयोजन किया था वो कन्नौज और प्रयागराज में, इसे याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF इसमें दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, इसे बताइए कुशीनारा, देखिए कुशीनारा वर्तमान में अब इसका नाम कुशीनगर है, किसकी राजधानी थी, बताइए कुशीनारा किसकी राजधानी थी, भग्गो की, लिच्छवियों की, मल्लों की, किसाकियों की। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो देखिए कुशीनारा जो राजधानी थी वह मल्लों की राजधानी थी। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14, इसे बताइए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, काशी में, कि लुम्बिनी में, कुशीनगर में, कि श्रावस्ती में। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह यदि हम यहाँ पर देखें तो कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पर 14 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, इसे बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कि कपिलवस्तु में हुआ था, कि पाटलिपुत्र में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा, इसे आप सभी जरूर जानते होंगे। ये दोस्तों आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा रोज डेली दोपहर जो है 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश पढ़ाया जाता है, और देखिए और 2 बजे हम सब यूपी स्पेशल GK पढ़ते हैं, और शाम 6 बजे जो है हम सब डेली सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, इसलिए आप तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, इसे बताइए वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, यानी बताइए किस स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सारनाथ का, कि सांची का, कि बोधगया का, कि कुशीनगर का। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सांची का जो स्तूप था इससे भगवान बुद्ध का जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं था, इसलिए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17, इसे बताइए निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजित किया था, बताइए उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध, यहाँ पर बताइए बौद्ध महासभा का सम्मेलन का आयोजन किया था। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका यहाँ पर 20 सही होगा, तो प्रयागराज में किया था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18, इसे बताइए सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, बताइए ईसापतन, कि मृगदा, कि सारनाथ, कि एवंगवी दोनों। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, देखिए सारनाथ का जो प्राचीन नाम था वो ईसापतन भी था और मृगदा भी था, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें यह बताइएगा कि सारनाथ किस शहर के किनारे यानी स्थित है, इसको आप बता दीजिएगा किसके निकट वह सारनाथ स्थित है, किस जिले के निकट, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है चकबंदी अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए प्रश्न नंबर 19, इसे बताइए भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे बताइए भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को, कि बिहार को, कि मध्य प्रदेश को, कि छत्तीसगढ़ को। तो देखिए उत्तर प्रदेश को जो है बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, इसे बताइए सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, बताइए सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कांपिल्य थी, कि अहिछत्र था, कि कौशाम्बी, कि मथुरा।
देखिए सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, इसे आप याद रखिएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप यह भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अब मिलते हैं इसके अगले भाग यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।